बीजा बड़ा परोवेति गणनालपुचित सा उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुंबकम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कैन यू ऑल हियर मी? विजय, कैन यू हियर मी? एक कबीर का भजन है, सभी ने सुना हुआ होगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए। चदरिया जीनी रे जीनी रे, राम नाम रस पीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूनी, नौ दस मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने लालो लाल कर दीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, दो दिन तुमको दीनी। चदरिया मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी। चदरिया जीनी रे जीनी। धन्यवाद। बहुत सरस इशिता, बहुत फाइन। गाया भी सुंदर और भजन ही इतना सुंदर है, ट्यून भी इतना नाइस, शब्द भी इतने मीनिंगफुल। तो जैसे हमने संकल्प किया, अब से हम हरेक हमारे सत्संग के पहले, अन्य हमारे प्रत्यक्ष सत्संग में हम करते ही थे कि प्रार्थना और भजन के बाद हम या तो आत्मष्टक पढ़ते थे, कभी नारायण उपनिषद पढ़ते थे। तो अब ब्रह्म निर्वाण तैयार हो गया है, तो हम हमेशा ब्रह्म निर्वाण पढ़ेंगे और उसके बाद सत्संग की शुरुआत होगी। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि धीरे धीरे करके हमें सभी 21 श्लोक बाय हार्ट हो जाए। तो जहां भी हम जाए, कभी भी, नित्य वो हमारे संग रहे, हमें इस बुकलेट के ऊपर भी निर्भर ना रहना पड़े, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्म निर्वाण की। जैसे वहां पढ़ा था हमने, सब साथ में पढ़ेंगे। ब्रह्म निर्वाण। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामन सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा शेषुपाशु अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम् आदिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर तिरस्तत्र नमुयति येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उपौतौ न विजानितो नायम हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्तथा ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषय क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रता ओमितेकाक्षरम् ब्रह्म व्याहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् दयाति परमां गतिम् न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणि निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्ति मूढा पदमं जयं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् सर्वकर्माप्यपि सदा कुर्वाणो मदवकाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्ता क्लेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्तत्र संशय याति नास्तत्र संशय जो उपस्थित नहीं थे हमारे गुरु पूर्णिमा के उत्सव में उनके लिए व्हाट्सएप पर इशिता जी ने ब्रह्म निर्माण के पिक्चर्स भेजे हैं तो आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे भी पढ़ सकते हैं जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है ब्रह्म निर्माण की उनके लिए रविवार का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ आई वॉज ओवरवेल्ड सबका उत्साह देख के जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया बड़ों ने परफॉर्म किया और हमारी ऑनलाइन टीम ने अंत में जो गरबा खेले बहुत ही आनंद आया वो सब देख के इस जो ये जो हमारा गुरु पूर्णिमा का उत्सव था उसके विषय में किसी को अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करनी हो कुछ कहना हो तो वी कैन टेक इट फॉर सम टाइम अगर कुछ शेयर करना चाहे कुछ अपने कार्यक्रम के विषय में एनीबॉडी आपको कैसा लगा कार्य आके कैसा महसूस हुआ आपको यदि
कुछ शब्दों में यदि आपको व्यक्त करना हो तो मोस्ट वेलकम. इट वॉज अ वेरी नाइस एंड वेलकम यू नो थिंग दैट सारे ग्रुप के लोग एक दूसरे को मिल पाते हैं, जान पाते हैं और एक जस्ट लाइक अ फैमिली एक फंक्शन का माहौल हो जाता है. तो इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव यू नो थिंग एंड वाइब्रेशन दैट वी कुड फील अमंगस्ट द अदर ग्रुप पीपल ऑल्सो. यस दैट वॉज द एम. एक दो तीन बार हम सभी सत्संग के लोग मिले तो धीरे धीरे आपस में फिर वो अनजानापन नहीं रहेगा, सब हम एक दूसरे को अपने ये समझने लगेंगे. स्लोली दैट फीलिंग अराइज़ेस. दैट वाज इट. और सो यंगस्टर्स से लेकर के इतने सीनियर सिटीजंस तक, सो वी कुड सी बीजल जी आपका कनेक्ट जो है, मतलब आई एम श्योर द यंगस्टर्स एज वेल एज द वेरी सीनियर्स आर all equally attached to you, so we really appreciate that. I mean it's really commendable ki ye keval samay nikalne ki baat nahi hai, ye hai ki aap gyan hai, gyan baant rahe hain, lekin ek kisi na kisi roop mein aap sabko personally bhi aap connect kar pa rahe hain and sabko ek ichcha hai aane ki jo nahi aa paaye kal, kitne janon ne unfortunately nahi aa paaye unhone wo bhi likha hai. So it was a very 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 positive and like Nitin bhai said, bada parivarik karyakram hota hai na, jaise us tarah se karyakram hua aur kafi sare ab to familiar faces bhi ab dikhne lage hain kyunki ye hum teesri baar mile the, to bahut acha laga sabko dekh kar ke aur bahut hi maza aaya, bahut aanand. Very good, very good. But iske piche bahut mehnat thi, ek mahine se sab chal raha tha, do se char baar to होटल पे जाके मेन्यू फिक्स करना, ये वो डीजे वाले से कोऑर्डिनेट करना, बाद में जो कोरियोग्राफर थे हमारे उन्होंने जो 6 से 8 सेशंस किए प्रैक्टिस के, नियमित बच्चों ने खास करके जो यंगस्टर्स जिसने स्किट किया, टेरेस पे बारिश हो तो पैसेज में प्रैक्टिस करते थे वो लोग, फ्लोर पे नीचे आके अगर बारिश आ गई तो टेरेस पे, बट बहुत उत्साह के साथ किया. ये बहुत आवश्यक होता है. Dedication, yes. It was their dedication and their commitment to the thing, and it was really very nice. Unka performance was really very nice. आज के युग में धर्म के प्रति ऐसा डेडिकेशन ये बहुत दिखाना वो बहुत बड़ी बात है. ये बच्चे ऐसे और ये सिर्फ किट में आते हैं ऐसे नहीं है, दे आर वेरी रेगुलर इन द सत्संग ऑल्सो. ये 6 में से 5 बच्चे तो होते ही है सत्संग. बोलो It is just not that कि skit था इसके लिए वो लोग आए थे. Very nice. At this age, if they join, it's very nice. हाँ जी, हाँ जी. तो एक अच्छी अनुभूति. जैसे आज धर्म की क्या अवस्था है कि धर्म में सिर्फ क्रिया रह गई है, व्रत उपवास करना, मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा पे जाना, ये रह गए, उसमें से ज्ञान तत्व निकल गया. हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ खाली ज्ञान तत्व है और कोई क्रिया नहीं है. हम 3 साल से मिलके ज्ञान तो ले रहे हैं, बट इस ज्ञान के आधार पर हमें अभी जीना चाहिए, हमें समाज में उतरना चाहिए, ये ज्ञान को आगे ले जाना चाहिए. उसके लिए हमारे कार्यक्रम होने चाहिए कि कैसे हम लोगों तक इस विषय को लेके जाए. जब 7 साल से 2 सत्संग और 3 साल से ये 3रा चल रहा है, तो यू कैनॉट डाउट, मन में अभी दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि लोगों को ये अपील करेगा कि नहीं. ये विचार 5,000 साल से अपील कर रहे हैं भगवत गीता, तो आगे क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अंदर से तो सब सेम ही है, कुछ नहीं बदला है. जो भी बदला है वो बाहर से बदला है, लोगों के मन बुद्धि अहंकार गुण दुर्गुण सब वही है, भाव इमोशंस. बाहर से हेयर स्टाइल बदली है, कपड़े बदले हैं, स्पीच बदली है, हमारी वस्तुएं बदली है, अंदर से मनुष्य बदला नहीं. भगवत गीता डील्स विद द इनर सेल्फ, हमारे अंतर मन से वो डील करता है. इसके लिए वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगी, इट विल हैव एन एप्लीकेशन ऑलवेज. कभी भी जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक भगवत गीता उसे अपील करती रहेगी. तो हमें ये जब कन्विक्शन प्राप्त होता है तो अन्य तक ले जाने में ये हमारी निष्ठा जो है कमिटमेंट वो और सुदृढ़ करती है. दिस इज अ प्रूवन थिंग. और एक इंडिविजुअल को एज वेल एज सोसाइटी को समाज को इसकी आवश्यकता है. हिंदू धर्म सुदृढ़ कैसे होगा, दूसरों को गाली देकर नहीं,
हमें अपने आप को कमिट करना पड़ेगा हमारे धर्म के प्रति, अपने धर्म को राइट पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, समझ के उसके मुताबिक जीना पड़ेगा और आने वाली जनरेशन को वो समझा के जाना पड़ेगा, तब धर्म टिकता है। हिंदू धर्म में ये सभी कुछ हजारों साल से हो रहा है और ऐसे ही आगे चलना चाहिए, तब धर्म टिकेगा इन राइट पर्सपेक्टिव, सही तरीके से चले। तो और कोई कुछ वक्तव्य कहना चाहेगा कि आगे बढ़े? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? चलिए, बाह्य स्पर्श विषय चल रहा है कि बाहर से सभी चीजें कैसे हमें आकर्षित करती है। What does attract us? हमें किन चीजों का आकर्षण है? सभी कुछ जो बाहर है उसी का ही आकर्षण है, और इसके लिए हमें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि बाह्य वस्तुएं सभी प्रकृति से उत्पन्न है, जिसका आदि है और जिसका अंत है, जो उत्पन्न होगी जिसका नाश होगा। तो उससे जो सुख प्राप्त होता है वो अल्प समय के लिए होता है, नित्य सुख नहीं है। नित्य सुख कहां से प्राप्त होगा? जो नित्य तत्व है वहां से नित्य सुख प्राप्त होगा। हमारी आत्मा जो है वो नित्य है, इसके लिए यदि आत्मा में हम रमण हो गए, इफ वी गेट ऑक्यूपाइड इन आवर ओन सेल्फ, स्वस्मी रमयते स्वर, स्वर की व्याख्या है सुर, सुर दूसरों का मनोरंजन करने के लिए नहीं है, खुद का मनोरंजन करने के लिए। जिसके सच्चे सुर लगते हैं उसे और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में रमण हो जाते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने आप में से उन्हें जो आनंद खुशी प्रसन्नता प्राप्त होती है अन्य किसी चीज की आवश्यकता रहती नहीं। वो जो स्व में स्थित हो गया उसे कंटिन्यूस सुख प्राप्त होता है। पर इसमें बाधक क्या है? काम क्रोध का वेग। पिछली बार देखा हमने, शक्नोति है व यह सोंडु प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर का त्याग करने से पहले जो व्यक्ति सहन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, क्या सहन करने की? काम क्रोध। हमारे अंदर ये दो चीज सहन करने की क्षमता नहीं है, हमारी इच्छाएं और हमारा क्रोध, हमारी वासनाएं, यह हमें अपने आप पर नियंत्रण लाने नहीं देती। क्यों हमारी वासनाएं और हमारा क्रोध हमें नचाता है? क्योंकि हम बाह्य वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए वो हमारे ऊपर हमें नचाता है, हम उसके कंट्रोल में है। लेकिन जो यथात्मा है वो उसने अपने आप पे काबू पाया है, जिसने अपनी इच्छाओं पे काबू कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब अपने आप को संसार से दूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के साथ जोड़ने लगे। हमें बताओ, आप सारे दिन में कितनी बार ईश्वर का स्मरण हुआ आपको? कितनी बार आप कॉन्शियसली चलो भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम ले, भगवान के विचार समझने का प्रयास करें, भगवान की सेवा पूजा करें, कॉन्शियसली आपने निर्णय किया कि ये करें? हमारा जो जीवन है वो सारा इस सांसारिक चीजों में ऐसा उलझ गया है, और हमारे एज में तो अभी भी लोग जागरूक है। आने वाली जनरेशन क्या देखो आप, जैसे यूरोप में, अमेरिका में चर्चेस बंद हो रहे हैं, कोई जाने वाला ही नहीं है वहां पे। आज हमारे बच्चे कितने मंदिर में जाते हैं बताइए हमें, साल में एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार जाते हैं मंदिर? भगवान निकल गए हमारे जीवन से, तो वापस पकड़ के लाना पड़ेगा। आज के जो युवा है वो लॉजिकल थिंकिंग में मानते हैं, रीजनिंग, उन्हें भगवत गीता एक रीजन बेस्ड ग्रंथ के आधार पर उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप कहोगे रोज दर्शन करने जाओ, वी विल क्वेश्चन व्हाई, क्यों जाऊं मैं, भगवान मेरे अंदर है तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता? आप कहते हैं ऐसे अनेक प्रश्न आए। तो हमारा धर्म समझकर, हमारा कर्तव्य समझकर, कॉन्शियसली
हमें इस मार्ग पे चलना शुरू करना है, ज्यादा से ज्यादा जो संसारिक बातों में हम उलझे हुए उससे दूर हटकर ईश तत्व की तरफ हमें प्रयाण करना है। असतो मा सतगमया, ज्यादातर लोग यही समझते हैं असत यानी रॉन्ग और सत यानी राइट, ट्रूथ। इट इज नॉट दैट। सत यानी परम तत्व, असत यानी प्रकृति संसार। असत संसार से ही ईश्वर, मेरी यात्रा सत परम तत्व की तरफ शुरू हो, ये उसका भाव है। असतो मा सदगमय, असत में से संसार में से ईश्वर तेरे तरफ मेरे जीवन का प्रयाण हो। इट हैज नथिंग टू डू विथ ट्रू एंड फॉल्स, इट इज विथ वर्ल्ड एंड गॉड। आज हम सब असत में, कितना प्रभाव है हमारे ऊपर असत का, उसके बिना जैसे लगता है वही सत्य है और उसके बिना हम जी नहीं सकते, तो ईश्वर प्राप्ति होगी कैसे? कोई नए संत दिखते ही नहीं समाज में, वक्ता बहुत दिखते हैं, कथाकार बहुत दिखते हैं, जिसको भी भगवान ने सरस्वती देवी ने वरदान दिया है वो कथा तो कर सकेंगे, लेकिन संत का चरित्र कहाँ से लाएंगे? चरित्र बदलना बहुत बड़ी बात है। जब तक भगवान से एक रूप ना हो तब तक आपका चरित्र ना बदले। संत तत्व वो आएगा नहीं जब तक संसार से माया छोड़कर भगवान से एक रूप ना हो जाओ तब। ओरेटरी, स्पीकिंग, ये कोई भी कर सकता है, ज्ञानी बहुत है, भक्त बताइए, साधु बताइए, संत बताइए, क्यों कम हो रहा है? चरित्र नहीं देखने को मिलते ऐसे। और चरित्र क्यों नहीं देखने मिलते? क्योंकि हम ईश्वर से विमुख जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भोग में, संग्रह में, इसी में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो जो काम और क्रोध के वेग को रोक सका, सयुक्त स सुखी नर, ये कौन रोक सकेगा? जो युक्त है, ईश्वर से एक रूप है, वो ही काम और क्रोध इसको रोक सकेगा और वो ही सुखी होगा। ऐसा ही नर सुखी होगा। ये केवल नर मनुष्य के लिए संभव है कि वो ईश्वर से युक्त हो, अन्य किसी जीव में ये क्षमता नहीं, कल्पना भी नहीं होगी कि कोई ईश तत्व है जो हमारा जीवन चलाता है, जो सृष्टि चलाता है, जो ब्रह्मांड चलाता है। अभी पुणे में एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, यानी विश्व में, ब्रह्मांड में जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं वो टेलीस्कोप पकड़ता है, ग्रहण करता है। अब ये टेलीस्कोप ने क्या पकड़ा, कौन सा ध्वनि पकड़ा? ग्रेविटेशनल वेव्स, जो गुरुत्वाकर्षण के वेव्स थे, वो जब चलते हैं पूरे ब्रह्मांड में तो उसमें जो जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो उसमें रिकॉर्ड हुआ। और ये ध्वनि कैसा था? HUM, हम हम हम, ऐसा आवाज था उसका। इसके ऊपर से कल्पना होती है हमें, ये हम जो साउंड था उसी में से हमारे ऋषि मुनियों ने ओम पकड़ा होगा। जब डीप समाधि अवस्था में गए होंगे, अकेले पहाड़ पर बैठे होंगे, ये जो ब्रह्मांड के वेव्स थे वो सुनाई दिए होंगे उन्होंने। और उन्होंने कल्पना की कि अवकाश में, स्पेस में केवल शब्द है और कुछ भी नहीं है। पंचमहाभूत अवकाश का तन्मात्रा क्या है? शब्द। अवकाश में केवल शब्द है, एक ही तन्मात्रा है। जल के अंदर पांच तत्व है, जल बहता है तो सुनाई भी देता है, उसका स्वाद भी है जल का, उसका रूप भी है, देख सकते हैं ये जल है, स्पर्श करो तो भी पता चलता है ये जल है, रूप रस गंध सब कुछ है जल में। अवकाश में केवल शब्द और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार जो नर है, जो मनुष्य है, वो ईश्वर तक पहुंचा, उसने ईश्वर की कल्पना की, सृष्टि के रहस्य को जाना, ब्रह्मांड के तत्व को जाना, और इसके लिए वो जो नर है, जो मनुष्य है, वो ही युक्त हो सकता है, और वो युक्त हो सकता है उसके लिए ही वो सुखी है। ये था हमारा 23वां श्लोक जिसके ऊपर हमने विचार किया। हमारा कनेक्शन बैठे इसके लिए हम थोड़ा आगे का श्लोक भी रिवाइज करते हैं। और 24वां और 25वां श्लोक देखिए आप, परिचित नहीं लग रहे 24वें और 25वें श्लोक?
योग देखिए पांचवें अध्याय से ब्रह्म निर्माण में जो दो श्लोक ने स्थान पाया है वही दो श्लोक हम आज आरंभ करने वाले, वही श्लोक के ऊपर हमें है और योगानो योग वही दो श्लोक ब्रह्म निर्माण में इन्होंने स्थान पाया है। योन्त सुखोन्तराराम तथा ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। पहली लाइन है, क्या कहा है उसने, यो अंत सुखो, अंत यानी अंतरात्मा, जो अंतरात्मा में सुखी है। हम अंतरात्मा पे विचार ही नहीं करते हैं तो उसमें सुखी होने का प्रश्न ही नहीं आता है। हम बाह्य स्पर्श बाहर के विषय पर ही विचार करते हैं। दो वस्तु है, बाहर के जो विषय है वो कभी किसी को सभी विषय प्राप्त हुए, असंभव। आप सोच लो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास संसार के सारे विषय, किसी को कुछ प्राप्त है किसी को दूसरा कुछ प्राप्त, लेकिन सभी कुछ किसी को प्राप्त नहीं है। लेकिन आत्म तत्व ऐसा तत्व है जो सभी को प्राप्त है। तो यदि मुझे सुखी होना हो तो मुझे किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, जो मुझे ऑलरेडी प्राप्त है। बाहर तो संघर्ष है, मुझे जो नहीं मिला है वो पाने के लिए तो सारी जिंदगी चली जाती है। आज बंबई जैसे शहर में एक फ्लैट बनाने में सारी जिंदगी की कमाई लग जाती। तो जो नहीं मिल रहा है मुझे, जो पाने में कठिन है, उसके लिए सारा जीवन में मेहनत कर रहा हूं, और जो ऑलरेडी प्राप्त है उसके ऊपर मेरा लक्ष्य नहीं है। क्यों हम अपने मन को ना समझाए, हम अपने आप में खुश रहेंगे। भगवान सभी को प्राप्त है, मनुष्य को ही सुख और दुख दो दिया है। विवेक किसको दिया है भगवान ने, मनुष्य को दिया है, राइट एंड रॉन्ग की समझ। बाकी अन्य जीव को ज्ञान कितना है उनके पास, सर्वाइवल उतना ही, जीने के लिए जो आवश्यक है उतना ही नॉलेज है उसके पास। कोई भी प्राणी पशु पक्षी ले लो आप, उनको भगवान ने कितनी बुद्धि दी है जो उसको जीने के लिए आवश्यक है, उतनी ही। खाना कहाँ मिलेगा, पीना कहाँ मिलेगा, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये सभी जीव में है। कोई मुझे मारने आया तो भागने का कैसा, बचने का कैसे, मेरे प्राण खतरे में है, इसकी अनुभूति सभी जीव को है। भाई निंद्रा आहार मैथुन, चाणक्य जी ने कहा, इट इज कॉमन अमंग ऑल द जीव। भाई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कोई हमारे ऊपर कुछ फेंकता है तो इमीजिएटली हमारा सिरा मटा लेते, रिफ्लेक्स। डिसीशन नहीं है कि हाँ सामने से कुछ आ रहा है, ये मुझे हर्ट कर सकता है, लग सकता है, इसके लिए मुझे सिर हटाना चाहिए। नो, एक क्षण में हमने वो कर लिया, सिर हटा लिया, जैसे ही सामने से किसी ने कुछ फेंका तो रिफ्लेक्स इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जीने की प्रेरणा हमें देती है। ये सभी जीव में कॉमन है। स्वर्ग लोक और मनुष्य लोक, पाताल लोक, वहां पर विवेक की आवश्यकता ही नहीं है टू डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। वहां पर आपके अच्छे बुरे कर्म को भोगने के लिए ही आप गए हो। स्वर्ग लोक में जितने भी है देवी देवता यक्ष गंधर्व जो भी अच्छे कर्म किए थे उसे उसके लिए स्वर्ग में स्थान मिला है। अभी स्वर्ग में कोई स्ट्रगल नहीं, संघर्ष नहीं, कुछ भी नहीं। वहां पर राइट और रॉन्ग के ऊपर विचार ही नहीं करना है। पाताल लोक में पीड़ा सहन कर रहे हैं। मनुष्य लोक भगवान ने विदा रखी सामने, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। अभी तू तेरे विवेक बुद्धि को काम पे लगा, इसमें से मैं कौन सा उठाऊं। तो जो विवेकी है वो क्या करेगा, वो प्रकृति से अपने आप को दूर हटाता जाएगा। और जो अंत सुख, हम डिपेंडेंट है हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के ऊपर, मन बुद्धि अहंकार शरीर, इसको खुश करने के लिए सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है,
अच्छी जगह पे घूमना है, बट ये सब बाह्य सुख, अंत सुख अगर प्राप्त होने लगे तो ये सब चीज मीनिंगलेस। तो ऐसा व्यक्ति अभी तक के श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि बाहर की वस्तु से यदि आप सुख ढूंढोगे तो क्या होगा उससे, कि अल्प समय के लिए होगा, वो लंबे नित्य नहीं रहेगा आपके साथ। यहाँ पर उसे कैसे प्राप्त करें, ये बात है कि अगर बाह्य वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं रहना है तो अंतः सुखो, जो अपने अंतर आत्मा पे सुखी है, अंतर आत्मा में सुखी है, ऐसा व्यक्तित्व। अंतर राम, राम यानी रमण, रमण यानी ऑक्यूपाइड। यदि हमें अंत सुख की अनुभूति हो तो फिर बाह्य सुख के प्रति कोई नहीं दौड़ेगा। हम क्यों दौड़ते हैं बाहर से सुख प्राप्त करने, क्योंकि अंदर से मिला ही नहीं। लेकिन अंदर से यदि सुख प्राप्त हो जाए, आत्मा में स्थिर हो गए, ईश्वर में स्थित हो गए, तो फिर उसमें ही रमण करने लगेंगे हम, फिर बाह्य सुख के लिए भागने की आवश्यकता ही नहीं। हमें प्रश्न होता है हमारे योगी सब सारा जीवन हिमालय में गिरनार पर कैसे जीते होंगे, कभी उनके मन में होता नहीं होगा कि हम भी आके किसी से मिले, किसी के साथ रहे, समाज में नॉर्मल लाइफ व्यतीत करे, सारा जीवन अकेले बैठ जाते हैं गुफा के अंदर। अंत सुख अंतर राम, इसके अलावा संभव नहीं है। ये बात अपने आप में रमण होना इजी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बट ये जिसने प्राप्त कर लिया वो किसी और पे निर्भर नहीं, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। हमें रास्ते चलता हुआ व्यक्ति भी दुखी कर सकता है, दैट इज अवर फॉल्ट। हमारा मन निर्बल है कि वो हमें दुखी करके गया। और कौन दुखी कर सकता है हमें, जिसके ओपिनियन का हमें महत्व है वो दुखी कर सकता है। हमने किसी व्यक्ति को महत्व दिया इसके लिए, उसके शब्दों ने हमें दुखी किया, उसके वर्तन ने हमें दुखी किया। बाह्य स्पर्श यदि अपने आप में स्थित है तो कुछ भी हमें स्पर्श नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता जो अपने आप में स्थित है वो। तो योन्त सुखोन्तरा राम तथा अंत ज्योतिरेव यः, ये बहुत बड़ी बात है। अंतर ज्योति, अंतर ज्ञान, आत्मज्ञान, ये हम आत्मा में स्थित कैसे होंगे, आत्मा में रममाण कैसे होंगे, स्व में कैसे रममाण होंगे, जब अंत ज्योतिर्ज्ञान जागेगा तभी ये संभव है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक उसके सुख को मैं चख कैसे सकता हूं, जब तक उसके सुख को चख नहीं सकता हूं मैं उसमें रमण कैसे हो सकता हूं। सबसे मुख्य है अंत ज्योतिर एव, आत्मज्ञान, अंतर ज्योतिर। हमें कहां से ज्ञान मिलता है, बाह्य ज्ञान। आज की सारी जो स्कूलिंग सिस्टम है केवल बाह्य ज्ञान, ABC 1 2 3 ये सब हमें सिखाता है। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक विश्व के बारे में सिखाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलजेब्रा कितने सब्जेक्ट है। मनुष्य एथिकली जीता नहीं है, मॉरली जीता नहीं, नीति से जीता नहीं है, इसके लिए लॉ नाम का एक शब्द आया। यदि दो व्यक्ति आपस में डील करें, ये लीजिए, ये इतने रुपये लीजिए, कल से ये घर आपका, इतने रुपये, तो फिर उसे लिखने की क्यों आवश्यकता हुई, स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट बनाने की क्यों आवश्यकता हुई, दोनों को विश्वास नहीं। पैसे देने वाले को विश्वास नहीं है कि कल वो वापस आया तो ये तो मेरा घर है, लेने वाले को विश्वास नहीं, ये गलत नोट निकले तो इसके अंदर। व्हेन वी डोंट ट्रस्ट ईच अदर तभी एग्रीमेंट करना पड़ता है। ये पतन है मनुष्य का, एग्रीमेंट, अपने शब्द को नहीं पालता है मनुष्य। इसके लिए ये लॉ आया, कायदा आया। कभी जंगल में जाके आदिवासियों का जीवन समझना चाहिए, कौन सा लॉ है वहां पे, कभी एग्रीमेंट करते हैं वो लोग, कभी नहीं, फिर भी हमसे सुखी है।
वह प्रॉपर्टी का विवाद ही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये सारा जंगल हम सबका, इसमें से जो भी फल फूल उत्पन्न होते हैं सब अपनी आवश्यकता जितना यूज करता है। आज पृथ्वी का पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गया है, 800 करोड़, फिर भी माता पृथ्वी सभी को अन्न जल दे रही है, सबके लिए है। तो ये मालिकी भाव क्यों आ गया हमारे मन में, भाई कल को नहीं मिला तो आज से संग्रह करो, उठा के रख दो। इसके कारण सब नेगेटिव थिंग्स आने लगे, लोगों के मन में भय आया, लोभ आया, अपने शब्द को पकड़ के चल नहीं रहे लोग, मुकर जाते हैं। इसके लिए एग्रीमेंट आया, लॉ आया, ऑर्डर आया, पुलिस आया, ये सब कुछ आया। धर्मेणेव प्रजास्तावत रक्षन्ति स्म परस्परम। आदर्श राष्ट्र कैसा, जो प्रजा धर्म के आधार पर चलेगी और परस्पर एक दूसरे का रक्षण करेगी वो आदर्श राष्ट्र। वहां ना राजा की आवश्यकता है, ना आर्मी की, ना पुलिस की, ये सबकी आवश्यकता कब होती है, जब हम अपना कर्तव्य नहीं करते तब हमें कोई समझाने वाला चाहिए कि ये करना पड़ेगा। जब मैं डिसिप्लिन अनुशासन नहीं फॉलो करता हूं तो किसी को कहना पड़े कि अनुशासन में रहो। श्रेष्ठ अनुशासन कौन सा है, स्व प्रस्थापित अनुशासन। मुझे क्यों किसी को कहना पड़े कि ऐसा करो, मैं समझ के रहूं। ये बात जब आती है तब एक आदर्श राष्ट्र निर्माण होता है। आदर्श विद्यार्थी कौन, जो एग्जाम में पेपर लिख रहा है लेकिन उन पे चेकिंग करने के लिए कोई इन्विजिलेटर ना हो, कोई टीचर ना हो, कोई टीचर आके खड़ी रहे कि आप कॉपी तो नहीं कर रहे ना, ये तो मेरा अपमान है। उन्हें शंका है मुझ पर कि मैं कॉपी करूंगा, ऐसा नहीं। आदर्श विद्यार्थी कौन, कि जहां पर इन्विजिलेटर की जरूरत ही ना हो, तब अपना अपना पेपर लिखकर रखकर बाहर चले जाए। जब कोई हमारे सिर पे आए हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए तो हमारी निष्फलता है कि हम अनुशासित नहीं है। इसके लिए किसी को कहना पड़ता है ऐसा मत करो, कार्यक्रम चल रहा है आवाज मत करो, खाना बाद में खाना। अनुशासन जब नहीं होता है तब ये होता है, ऐसा अनुशासन होना चाहिए। तो अंतर ज्योति रेव यह, जो अंतर का जो ज्ञान है, बाह्य विश्व का जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, फिजिकल नॉलेज, उसे ज्ञान कहते हैं। और जो स्पिरिचुअल अंदर के वर्ल्ड का है जो, उसे विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान। हमने साइंस को भी विज्ञान कह दिया, गलत है वो। दो ही तत्व है विश्व के अंदर, एक जड़ और एक चेतन। जड़ तत्व का जो है वो ज्ञान, और चेतन तत्व का जो है वो विज्ञान। क्योंकि जड़ तत्व चेतन तत्व के ऊपर निर्भर है, इसके लिए चैतन्य का ज्ञान जो है वो विशिष्ट ज्ञान, वो विज्ञान। तो ये जो विशिष्ट ज्ञान है, अंतर ज्योति रेव यह, तो अंदर की ज्योति प्रकट होनी चाहिए। ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो शिवलिंग है वो एक अग्नि स्तंभ था बहुत बड़ा, इसके लिए ज्योतिर्लिंग कहा गया। लिंग यानी चिन्ह, जो शिव का चिन्ह है वो शिवलिंग, और क्योंकि वो अग्नि स्वरूप था, इट वॉज अ कॉलम ऑफ फायर, इसका ना ऊपर ना नीचे कोई अंत ही नहीं है, ऐसी एक कॉलम थी अग्नि की, इसके लिए ज्योतिर्लिंग ये शब्द आया। तो ज्योति ज्ञान का ये नॉलेज, ज्योति प्रकाश, ये सब ज्ञान के वाचक है। तो जब आत्म तत्व का ज्ञान होता है, अपने आप बाह्य तत्व से हमारा आकर्षण कम हो जाता है। तो पहले अंतर ज्योति रेव, फिर अंत सुख, फिर अंतर रमामान, ये तीन अवस्था, इसके ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आत्मा से सुख पाना और आत्मा में ही रमण करना, ये व्यक्ति यथात्मा।
इसके मन बुद्धि अहंकार उसके वश में है, इसका शरीर उसके वश में है, हमारा कुछ भी हमारे वश में नहीं होगा, तो भी अल्प समय के लिए, क्योंकि उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है, विचार नहीं है। जितना अकेले बैठकर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना अपने आप से जुड़ते जाएंगे हम। जितना अपने आप से जुड़ेंगे, अन्य से, बाह्य वस्तु से हमारा संबंध कम होगा। तो योन्त सुखो अंतराराम तथा ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छत। ऐसा योगी, अब शब्द समझिए, ये वस्तु कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये योगी के बस की बात है। जो योगी है वो ये स्थान पर पहुंच सकता है, जो ईश्वर से जुड़ा है वो ये स्थान पर पहुंच सकता है। ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण यानी शांति, ब्रह्म के अंदर परम शांति है, प्रकृति के अंदर अशांति। ब्रह्म शांत है, प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति से उत्पन्न जो मन है वो इच्छाएं करता है, बुद्धि है वो निर्णय लेती रहती है, शरीर जो है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील यानी विकारी, चेंजेस होता रहता है। और सिद्धांत है, जहां चेंज है, जहां विकार है, जहां बदलाव है, वहां नाश है। आत्मा में बदलाव, विकार, चेंज है ही नहीं, जो बदला ही नहीं है उसका नाश कैसे होगा? हमारा शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, इसके लिए नाश होगा उसका एक दिन? जन्मे तब से आज तक प्रतिक्षण बदल रहा है, बदलते बदलते एक दिन नाश हो जाए। आप संस्कृति भी देखिए, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था सुधा मूर्ति जी का, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अकेली महिला थी, तो उनके प्रिंसिपल ने कंडीशन रखी थी कि आपको रोज साड़ी पहन के आना पड़ेगा। उन्होंने हंसकर कहा कि उसके सिवा कौन सा ड्रेस है हमारे पास, हम साड़ी ही पहनते और कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स सारे समाज में इट वॉज अ प्रिंसिपल, साड़ी मतलब साड़ी और कुछ अलाउड नहीं। उसमें विकार आया, चेंज, यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट। और देखो धीरे धीरे संस्कृति का नाश हो जाएगा, वहां तक चेंज लेके जाएंगे लोग। जब आप पकड़ के रखते हो, जब आप पकड़ के रखते हो उसका नाश नहीं होता है। हमारी संस्कृति में समुद्र से उस पार जाना मना था, काला पानी जो कहते थे वो, क्यों? आप यदि समुद्र लांग कर दूसरी जगह गए तो वहां के जो बुरे विचार है वो आपके अंदर आ जाएंगे, और वहां से आप वापस आए तो वो भ्रष्ट संस्कृति हमारी उच्च संस्कृति का नाश करेगी। तो जब वर्ण संकरता कहते हैं इसे, दो वर्ण जब एक हो गए और उसकी जो संतान होगी उसमें संभव है कि दूसरे वर्ण के जो वीक पॉइंट्स थे वो इसमें भी आ जाएंगे, वो शुद्धता नहीं रहेगी। संस्कृति हो, हमारा विचार हो, कुछ भी हो, इसके लिए हमारे यहाँ पकड़ के रखा हमारी संस्कृति को। ये कारण था कि इतने हजारों साल तक हिंदू संस्कृति टिकी रही, चेंज वॉज नॉट अलाउड। ये जो वर्ण व्यवस्था था, लोग कहते थे अन्याय है, ये है, वो है, बट उसी के कारण संस्कृति जिंदा रही, ये मत भूलिया। ब्राह्मणों ने केवल वेद को जीवित रखा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उनका परम लक्ष्य एक ही था कि वेद का ज्ञान पास ऑन हो जाए। जब ये ड्यूटी दी गई उनको तब वेद जीवित रहे। ये तो कितने सारे, नालंदा की यूनिवर्सिटी जलाई गई, उसमें कौन से ग्रंथ है मालूम है किसी को? किसी को पता नहीं। वेद जीवित है, उपनिषद जीवित है, क्योंकि एक वर्ग को ड्यूटी दी गई कि आपका जीवन का ध्येय यही है, आपको यही करना है, और आपको नहीं आपके आने वाले जनरेशन को भी यही, तब जाके वो तत्व जीवित रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन आगे चल के क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वो लोग ही नहीं रहे जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय समझा है इसे, कि यही हमें करना है आगे चल के। तो ये जो विकार होता है, बदलाव होता है, वो नाश की तरफ जाता है, लेके जाता है।
आत्मा अविकारी है, वो बदलता नहीं, इसके लिए उसका नाश नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी हलचल विकार नहीं है, इसके लिए वो शांत है, ब्रह्म शांत है और शरीर अशांत है, विकारी है, परिवर्तनशील है, उसमें क्रिया होती रहती, विरुद्ध आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है, बट लेकिन ये दोनों की आवश्यकता एक जीव उत्पन्न करने के लिए, इसके लिए हमारे अंदर दोनों के प्रति आकर्षण है, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति भी हमें लगाव है और बाह्य सुख के प्रति भी लगाव है। एक हफ्ते के बाद होता है चलो वापस सत्संग करते हैं, और अगर ये सत्संग में 7 घंटा चला हो तो आप कहेंगे चलो बस अब थोड़ा टीवी देख के आते हैं, अनुपमा का टाइम हो गया है, वो अब देख लेते हैं। ये दोनों तत्व हमें खींचते हैं क्योंकि हम दोनों से बने हुए हैं, इसके कारण वी वॉन्ट बोथ द थिंग। तो सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण यानी शांत, ये जब देह त्याग हो जाता है फिर कोई एक्टिविटी नहीं, परम शांत। खाली देह त्याग होता है तभी नहीं है, गाढ़ निंद्रा सुषुप्ति में भी, सुषुप्ति में भी हम यानी जब स्वप्न भी नहीं है तब, रात को जब हम गाढ़ निंद्रा में सोते हो उस वक्त भी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो विलीन हो गया है अविद्या में। अहंकार जैसे ही जागृत होता है, सिद्धि मन के अंदर ट्यूबलाइट होती है, मैं ये हूं सबसे पहले ये अनुभूति होती है, और फिर सारे हमारे रिलेशंस याद आ जाते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे पलंग पे सोई हूँ, ये मेरे बच्चे, आज ये करना है, यहाँ जाना है, एक क्षण में सभी कुछ आ जाते हैं, बट सबसे पहले मेरा अहंकार जागृत होता है, मैं कौन हूँ ये अनुभूति आती है। आंख भी बाद में खुलती है, आंख खुलने से पहले भी हमें अनुभूति आती है, कोई आके हमारी स्विच ऑन कर देता है, ये कौन करता है ये साइंस को ढूंढना चाहिए। इतने एटम के अंदर भी क्वार्क से यहां तक पहुंच गए, बट ये सुबह नींद कौन खोलता है मेरी, रात को नींद कौन लेके आता है ये पूछना चाहिए। हमने कितने बजे पलंग पर सोए और ट्यूबलाइट बंद की ये पता होगा, लेकिन नींद कितने बजे आई कोई एग्जैक्ट बताए मुझे, ये मिनट पे और ये सेकंड पे नींद आई मुझे, असंभव। कब वो स्विच ऑफ हो गई पता ही नहीं चला और अपने आप ऑन हो गई वापस, कौन करता है ये मुझे सुलाने वाला कौन है, मुझे जगाने वाला कौन है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, पता नहीं चला है अभी तक किसी को। स्वप्न आया कहां से, ये कभी सोचा मन के अंदर? पेंटिंग आपको बनाना है तो आपने कैनवस लिया, कलर्स लिया, ब्रश लिया और पेंटिंग बनाया, तो ये जो स्वप्न में जो चित्र निर्माण होते हैं वो कहां से आए, बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि डीपली सोचे तो हम हमारी नींद उड़ जाए, ये स्वप्न आया का, स्वप्न अवस्था में हमें लगता है ये रियलिटी है, इसलिए तो स्वप्न डराता है, स्वप्न हंसाता है, वो हम सच मान लेते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो अरे स्वप्न था, मिथ्या, स्वप्न मिथ्या ये सत्य। जब स्वप्न अवस्था से कॉन्शियस स्टेट में हम आए तो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही जब कॉन्शियस स्टेट से सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंचे तो समाधि अवस्था में, तो हमें यह कॉन्शियस स्टेट मिथ्या लगेगा। ऐसे ही नहीं कहा शंकराचार्य जी ने, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाके देखा तो जगत मिथ्या, कॉन्शियस अवस्था में देखा तो स्वप्न मिथ्या, लॉजिक, जगत असत्य है, भास है, केवल रिफ्लेक्शन है, ऐसा है। तो सयोगी ब्रह्म निर्वाण, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है, परम शांति, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, केवल एक आत्मिक सुख की अनुभूति, ऐसी शांति। ब्रह्म भूतो दिगच्छति, ब्रह्म में स्थित होना, अधिगच्छति, ब्रह्म के तरफ वो स्थित होता है, मैं ब्रह्म हूं
जिसे वेदों के महावाक्य प्रज्ञा जी ने कहा हमें कार्यक्रम में, तत्त्वमसि ये सामवेद का महावाक्य है जो छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त हुआ है, वैसी अहम ब्रह्मास्मि ये यजुर्वेद का वाक्य है जो बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त हुआ है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये भी हम कैसे कह सकेंगे? इसमें भी मेरा मैं तो जीवित है। जब मैं कहता हूं मैं ब्रह्म हूं अर्थात मैं अलग हूं और ब्रह्म अलग है, ये ब्रह्म में स्थिति नहीं है। जब ब्रह्म में स्थिति होती है तो इतना सा भी मेरा मैं शेष नहीं रहता, टोटली एक रूप विलीन। जब एक नदी समुद्र में मिल जाती है फिर बताइए नदी का इसमें नदी का अस्तित्व नहीं रहता है। वैसे ही जब ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है, ब्रह्म भूत अधिगच्छति, एक ब्रह्म का नॉलेज होना, यहां ये ब्रह्म तत्व है, और दूसरा ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करना। जब ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करते हैं तो मैं हूं ये बात रहती ही नहीं। जब तक मैं ये बात हमें ज्ञान है हमारा कि मैं कौन हूं, तब तक ब्रह्म भूत अधिगच्छति संभव नहीं। ब्रह्म में स्थिति तभी संभव है जब मेरा अहंकार टोटली संपूर्ण विलीन हो जाता है, तभी मैं नहीं रहता और मेरा अस्तित्व ही विलीन हो गया, मैं ना रहा, मैं ईश्वर हो गया। इसके लिए अहम ब्रह्म अस्मि ये बात आई। कई लोग अज्ञानी लोग समझते हैं कि वी आर टेलिंग कि आई एम गॉड, ये बात नहीं है। आई एम गॉड, अहम ब्रह्म अस्मि, यू आर नॉट गॉड, यू आर अंश ऑफ गॉड, एंड आपको अनुभूति हुई कि मैं उसका अंश हूं और मैं उसमें विलीन होना चाहता हूं, ये बात है। उसमें कोई घमंड या अहंकार नहीं है, उसमें आध्यात्मिक अनुभूति है। प्रेमी से अहम ब्रह्मास्मि योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा योगी जो है वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है और वही ब्रह्म भूतो दिगच्छति, वही व्यक्ति जो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है वो ब्रह्म में अधिगच्छति होती है उसकी, इस जरा सा भी मैं उसका शेष नहीं रहता है, पूर्णतः ईश्वर में विलीन हो जाता है। तो ये था हमारा 24वां श्लोक। आज समय हो गया है इसके लिए सत्संग का समापन, और ये श्लोक का समापन भी हम यही कर रहे हैं। अगर आज के सत्संग में आज के श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न हो या कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो एक दो मिनट ले सकते हैं। एनीबॉडी, चलो प्रार्थना करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पति शांति सर्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरधिरोपो शांति 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 जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण पदाने जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।